कृषि कानून, साफ लफ्जों में बोला जाए तो काले कृषि कानून। इस नए कानून के आने के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। असल मायने में देखा जाए तो भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए आजादी आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन आंदोलन के ठीक एक साल बाद भाजपा की मोदी सरकार किसानों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई और तीनों काले कानून को वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई है पता है? पीछे दिख रहे महानुभावों ने किसानों के इस आंदोलन को लेके जो जो बातें कही थी अब वो उन्हीं के गले की हड्डी बन गई है। इन बीएनडी की हालत सेम वैसे ही है जैसे सांप के मुंह में छछुंदर, ना उगला जाए और ना निगला जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, सरकार अपने फैसले से पीछे क्यों हटी, आइए बताते हैं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। दिस मॉर्निंग आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर इन अ ड्रामेटिक अनाउंसमेंट रोल्ड बैक द थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज। दिस तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान आज सरकार ने सुबह 9 बजे कर दिया। पहले इन तारीखों को अपने दिमाग में रख लीजिए। 14 सितंबर 2020 इसी दिन मानसून सत्र शुरू हुआ था जिसमें मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े अमेंडमेंट को कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया। 17 सितंबर 2020 इस दिन बड़े हंगामे के बाद लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। 20 दिसंबर 2020 को राज्यसभा में बगैर वोटिंग के ये बिल वहां भी पास हो गया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन तीनों कानूनों पर दस्तखत किए और इसे हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद भाई वो बवाल कटा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। किसान इन तीनों कानूनों के अपोज में सड़क पर उतर आए और नोएडा मीडिया किसान के अपोज में अखाड़े में, किसान और मीडिया में खूब उठापटक हुई और सरकार ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों पर पानी की तेज धार मारी गई, उनके रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए, सड़कों पर कीले ठोक दी गई, कटीले तार से हाईवे को बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया गया। इस किसान आंदोलन में किसानों पर डंडे तोड़े गए, उन पर गाड़ियां चढ़ाई गई, गालियां दी गई और करीब 700 किसानों की जान भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद नोएडा मीडिया किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही, अनपढ़, जाहिल जैसे गोल्डन वर्ड से सम्मानित करती रही और अपने गुल्लू भैया ने किसानों पर कई डिबेट किए, लेकिन सब के सब एंटी फार्मर डिबेट। जैसे किसान बहाना भारत निशाना, अड़े किसान मुश्किल समाधान, किसान साथ कहां अटकी बात। साथ ही दीपक चौरसिया अपना चौधरी भाई और मैथमेटिक्स के जनक कलयुग के आर्यभट्ट सुशांत सिन्हा, इंटरनेशनल बेइज्जती से सम्मानित अंजना ओम कश्यप जी और बारिश में भीगने से बचने के लिए रेनकोट की तरह, कोरोना से बचने के लिए मास्क की तरह और गाय के घी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली श्वेता जी, जितना अच्छा श्वेता सरकार के गलत नीतियों पर उठ रहे सवालों पर, सरकार के खिलाफ पूछे गए सवालों पर सरकार को डिफेंड करती हैं, उसे देखकर सम्मित पात्रा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भाजपा का प्रवक्ता मैं हूं या कहा जा रहा है कि पहली बार सरकार किसी मुद्दे पर झुकी है, पहली बार सरकार किसी के सामने
घुटने टेकी है। हालांकि यह दावा बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे पहले कई बार हो चुका है। पहली बार किसानों से ही जुड़े भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार पीछे हट चुकी है, जिसमें राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। उपचुनाव में कई सीटों की हार के बाद भाजपा की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए, इसे भी मोदी सरकार का झुकना करार दिया गया। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम पर यही सरकार पहले कहती थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को कंट्रोल नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स को करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि चुनाव में बीजेपी की हार उसकी दुखती रख है। अगर बीजेपी को लगता है कि उसके फैसले चुनाव में हार की वजह बन रहे हैं, तो अपने फैसले पर विचार या समझौता जरूर करती है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बुरी हार हुई, जबकि वहां से 42 लोकसभा की सीटें आती हैं। उसके बाद इसी महीने हुए उपचुनाव में बीजेपी उतना अच्छा काम नहीं कर पाई जितना बड़ा बीजेपी का नाम है। 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर किसान आंदोलन इसी तरह बना रहता तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और यही वजह है कि भाजपा सरकार ने किसानों से जुड़े तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया, और ऐसे में इन कानूनों की वापसी की कोई और वजह तलाश करना बेकार है। और सबसे बड़ी बात, कृषि कानूनों की वापसी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि बीजेपी खुद अपनी बिगड़ी हुई इमेज सही कर रही है। और ये नोएडा मीडिया जो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, इस पे ज्यादा गौर ना करें, क्योंकि मालिक जिधर बिस्किट फेंकता है कुत्ते उधर ही भागते हैं। ठीक एक साल पहले यही मीडिया किसानों के हित में इन तीनों कानून को मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, अब वही मीडिया इन कानूनों की वापसी को भी मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इसलिए मित्रों, इन अनऑफिशियल प्रवक्ताओं को सुनना बंद कर दो, और इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैक्रेस को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में अपने विचार जरूर बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।